हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं शबाना शेख। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पहले फ्रेंड्स, मैंने लिया है यहाँ लहसुन, अदरक लिया है मैंने, एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है, 4 हरी मिर्च ली है, 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने, पनीर लिया है, और मैंने लिया पाउडर मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और यहाँ लिया है मैंने पालक जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हमें पालक को ब्लांच करना है, तो मैंने ब्लांच करने के लिए पहले एक टोप लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। पानी को हमें बॉईल करना है। पानी हमारा बॉईल होने लगा है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे पालक। पालक को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पालक को निकाल लेंगे। पालक को हम ठंडा करने के लिए साइड पे रख देते हैं और चलते हैं अपनी ग्रेवी का मसाला तैयार करने के लिए। तो मैंने मसाला बनाने के लिए लिया एक कढ़ाई। हम इसमें ऐड करेंगे तेल। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और इसे चला लेंगे हम। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे हम इसमें, और टमाटर भी ऐड कर लेंगे। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। हमें प्याज और टमाटर को सॉफ्ट करना है। प्याज टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। प्याज टमाटर हमारा ठंडा हो चुका है, हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। हम इसमें पालक भी ऐड कर लेंगे। हमें इसको ग्राइंड करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे ग्राइंड करके इसका एक अच्छा सा प्यूरी बना लिया है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। मैंने सेम कढ़ाई लिया है जिसमें मैंने प्याज टमाटर फ्राई किया था, मैंने उसी कढ़ाई में हम अपना ग्रेवी तैयार करेंगे। तो हम पहले ऐड करेंगे इसमें तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। ज़ीरे को हम क्रैकल होने देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी प्यूरी। हमें इसे अच्छे से भुनना है और जार में जो मसाला लगा है हम पानी डाल के सब इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। हम इसे ढक के 2 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे देख लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने पाउडर मसाले और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे हम। अब हमें इसे ढक के 5 मिनट तक पकाना है स्लो फ्लेम पे। हम इसे बीच बीच में भी चलाते रहेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मसाला हमारा बिल्कुल पक चुका है, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद फ्रेंड हमें इसे 3 से 4 मिनट तक और पकाना है। हम इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मसाला हमारा बिल्कुल पक चुका है और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पनीर और अच्छे से मिला लेंगे इसे।
अब 2 मिनट इसे हम और पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, पालक पनीर हमारा फाइनली रेडी हो चुका है। अब इसमें लास्ट में हमें इसमें क्रीम डालना है। मैंने लिया है यहाँ अमूल का फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं हो तो आप क्रीम की जगह दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें 2 से 3 चम्मच दही भी डाल सकते हैं। दही या क्रीम डालने का रीज़न ये होता है क्योंकि पालक हमारा कड़वा होता है और क्रीम या दही डालने से क्या होता है, उसका कड़वापन बैलेंस हो जाता है। इसके लिए हम ये दोनों इंग्रेडिएंट्स में से कोई एक डालते हैं। तो पालक पनीर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।